देखो बच्चे, अब चैप्टर का हेडिंग डालते हैं ट्राइगोनोमेट्री। क्या है चैप्टर का नाम? है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ये एक बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। जैसे बहुत बार लोगों को सुना होगा, गुस्से में बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हैं, कहीं यूज नहीं होता। देखो, अगर किसी चीज का यूज करना आपको नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं है यूज नहीं होता। इट इज वाइजली यूज्ड, वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट हाइट एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो देखो, ये तीन वर्ड से मिलके बना है, ट्राई ट्राइगोन एंड मेट्री, और ऐसे बोल सकते हैं मिट्रॉन। तीन चीजों से मिलकर बना है पूरा का पूरा, तीन चीजों से मिलकर बना है ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर एक साथ आप लिखते हो ना। और तीनों के तीनों ये क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं। ये तीनों ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ। तो देखो, ये सारे के सारे क्या है? ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। क्या है बच्चे? ग्रीक लेटर्स या वर्ड्स, जो भी बोलो। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री होता है। गॉन का क्या मतलब होता है? गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है, देखो, पॉलीगन। सुना होगा ना पॉलीगन, ऐसा सुना होगा आपने। साइड्स, करेक्ट, साइड्स। मिट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो नाम से क्लियर है, थ्री साइड्स मेजर। यानी क्या है कि कोई भी ट्रेंगल दे रखा है या कहीं पे कोई ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इस साइड का कितना लेंथ है, दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल। ठीक है, इवन यू आर प्लानिंग टू फाइंड हाइट, कभी कभी आपको हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दिस इज वेरी यूजफुल। कभी कभी आपके मन में शैतान आ गया एंड यू आर जस्ट वॉकिंग, ठीक है, यू आर वॉकिंग अंडर द सनलाइट, और आपके दिमाग में आया यार एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर शैडो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर शैडो। इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। मान लो आपके मन में आया कि ओके, देयर इज अ वेरी बिग वेपर लाइट and you are walking, so whenever you are walking, your shadow is becoming larger or smaller. But if you are interested to find, अच्छा, according to your movement, what is the effect on the shadow? We can also learn what is exactly happening using trigonometry. So it's very useful tool. But एक चीज ध्यान रखो, trigonometry chapter is something which is going to be very useful even in future. So, आप सबसे पहली बात बच्चे इसमें ध्यान रखना, आई एम गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। सो योर प्रायोरिटी शुड बी, जितना भी कराऊं घर पे भी जाके सेम क्वेश्चन को वापस एटलीस्ट खुद से लिख के ट्राई करना। ओके, एट द सेम टाइम देयर आर सम फॉर्मूलाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें याद करना पड़ेगा, इट्स बेटर। इट्स नॉट दैट आप याद करो तो कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है, बट बेनिफिट है, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। प्रूफ तो सबको किया जा सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री यूज टू स्टडी बिटवीन रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रेंगल। किसके बीच में? एंगल्स एंड साइड्स को रिलेट करने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल टूल। अब आप लोगों को पता है कि, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि यार सबसे स्टार्टिंग में इजिप्शियन थे ना, जो इजिप्ट वाले लोग और बेबीलोन वाले लोग थे, वेरी अर्ली एजेस, दे हैड आइडिया अबाउट ट्रिगोनमेट्री, दे हैड आइडिया अबाउट ट्रिगोनमेट्री। हमें लगता है कि अभी आया है, फैक्ट इज दे वर यूजिंग इट। ओके, तो अर्ली डेज दे यूज टू यूज। ठीक है, फाइनली क्या हो गया? स्टार्स जो है, स्टार्स को डिस्टेंस निकालने के लिए भी ट्रिगोनमेट्री का यूज होने लगा।
स्टार्स का डिस्टेंस, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू नो दिस इज यूज्ड वेरी वाइडली, दैट्स व्हाई इट्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सो फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स एंड रेशियो। व्हाई विल समवन नीड द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स? बिकॉज बच्चे ही विल बी प्लानिंग टू विजिट ए स्टार्स, एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग, आप मोशन को पढ़ते हो ना अंशिका, वी कैन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल पे यूज होता है, यू कैन यूज एनी वेयर, ओके, बट राइट एंगल ट्रेंगल का इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहता है, सो दैट यू कैन राइट एंगल्स, यू कैन राइट एंगल्स। ठीक है, अब सिंपल भाषा में समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, राइट एंगल ट्रेंगल क्यों? राइट एंगल ट्रेंगल में इसलिए बच्चे कि क्या होता है ना, यू विल गेट अ फिक्स रेशियो, यू विल गेट अ फिक्स रेशियो, और साथ में पाइथागोरस कैन बी ऑल्सो यूज, बाकी ट्रेंगल में क्या होता है, पाइथागोरस यूज नहीं होता है, तो थिंग्स बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। एवरी ट्रेंगल हैज राइट एंगल ट्रेंगल, हाँ बोल सकते, इट्स अप टू यू, ड्रॉ करो तो कुछ भी हो सकता है, राइट आप ड्रॉ करो तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो फिर, तो इसके बाद में फिर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो एक इंजीनियर थे, मान लो कोई बंदा था, उसने देखा कि यार अगर मान लो मेरे पास एक रे है, एक मैंने दूसरा रे ऐसे ले लिया, ठीक है, एक रे है एक दूसरा रे ऐसे ले लिया, यस ओके, देन व्हाट ही सॉ कि अगर मान लो यहां पे आपने h1 डिस्टेंस लिया, ध्यान से सुनो, h1 डिस्टेंस लिया एंड दिस इज x1, फिर यहां h2 डिस्टेंस लिया एंड दिस इज x2, एंड देन आफ्टर और आगे चले जाओ, सो ही टुक h3 डिस्टेंस एंड दिस इज x3, ही सॉ दैट इफ दिस एंगल इज थीटा, ध्यान से सुनो, दिस एंगल इज थीटा, देन h1 by x1 is equals to h2 by x2 is equals to h3 by x3. We saw that, okay, it is going to be something like 1 by 2 equals to 2 by 4 equals to 3 by 6, okay. So this ratio is always constant. This ratio upon this ratio is always constant if theta is not changing. So uska dimag mein aise kaise ho raha hai? Okay? How is it happening? So finally he thought, okay, it means if ratio is same, aapka kya hai? Do number ka ratio same hai. If you are talking about a triangle, so ratio of two sides are same, it means angle bhi kya hoga? Same. थीटा इज एंगल, थीटा क्या होता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एंगल, थीटा इज एंगल, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है ना, एंगल बिटवीन टू रेज होगा ये, या ऐसे समझ रखते हो थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ वन साइड विथ अनदर। तो इसी चीज को देखते हुए फाइनली, सिंस दिस रेशियो इज फिक्स, टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक नाम दे दिया गया, ठीक है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या किया गया बच्चे, एक नाम दे दिया गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यस यस वी, थीटा कैन बी 90 डिग्री, इट डिपेंड्स, वी विल सी, डोंट वरी, सब हो सकता है, क्योंकि देखो योर क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, This angle can be 90 degree. So देखो, so finally trigonometric ratios came into picture. Yes, बच्चे theta can you can call it a variable? अरे ये angle का measure बताता है, 60 degree, 30 degree, 40 degree नहीं पढ़ाएगा आप लोगों ने angle?
एंगल नहीं पता है, थीटा इज, हमेशा ध्यान रखो थीटा इज एंगल बिटवीन टू रेज, क्या होता है बच्चे, रे के बीच का एंगल होता है, या ऐसा बोल सकते हो टू लाइंस विच आर इंक्लाइन एट इच अदर एट सम एंगल, तो उसी को क्या बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट अल्फा, यू कैन राइट बीटा, यू कैन राइट चाचा, यू कैन राइट एंटी, एनीथिंग यू कैन राइट, जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट यूनिट इज डिग्री। किसमें लिखते हैं इसको, डिग्री में लिखते हैं, ठीक है, इतने ही क्या, इतना ही याद रखना है आपको। सर वाई इज ऑलवेज द एक्यूट एंगल, देयर इज नो सच रूल अनुष्का दैट एक्यूट एंगल इज टेकन, इफ समबडी हैज सेड टू यू ही इज रॉन्ग, यू कैन टेक ऑब्ट्यूस एक्यूट एनीथिंग, थीटा कैन बी एनीथिंग, बट इन योर सिलेबस वी स्टडी फॉर एक्यूट एंगल, बस यही है, बट मैं लास्ट में इंक्लूड भी करूंगा उसको, ऑब्ट्यूस भी करूंगा इंक्लूड। देयर इज नो सच रूल, यू कैन टेक एनी एंगल, इवन द एंगल्स 720, 1080, 1005, देयर आर सो मेनी एंगल्स, यू कैन टेक एनीथिंग यू वॉन्ट। यस, हाउ दिज नेम नेम गॉट ओरिजिनेटेड, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वही बोल रहा हूँ बच्चे, स्टार्टिंग में यू नो आई थिंक फॉर मी आई फील दैट समबडी पिक्ड, somebody took a right angle triangle and he saw that okay for this theta this side ratio of this side is same, this side and this side is same, so if you are going to take any two triangle two sides, if you are going to take any two sides in a right angle triangle, theek hai, ratio same aaye honge, so it might have thought, dimag mein ek aata hai na ki bhai naam inko kya karte hain, kuch na kuch naam de dete hain, so finally someone thought about it and he gave the name, so it was I think aap bol sakte ho aise ki just observation tha and finally dekho ab dekho isme jo sign ka naam aaya tha na actually ek thoda thoda bata deta hu aapko pucha hai naam ka sin cos theta ye sab naam kaisa aaya स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या है संस्कृत में वर्ड आता है ध्यान से सुनना संस्कृत में वर्ड आता है लोगों को कंफ्यूजन रहता है संस्कृत में स्टार्टिंग में वर्ड आता था कि और देखो अलग अलग है जैसे लैटिन में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन साइनस क्या आता है साइनस 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 आता है लैटिन में थोड़ा सा बताता हूं आपको शायद मजे आ जाए साइनस एक वर्ड आता है ठीक है तो साइनस का मीनिंग क्या होता है बच्चे साइनस का मीनिंग ये होता है बे बॉसम और फोल्ड इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है बे बॉसम और फोल्ड ये होता है ठीक है तो यहां से एक ड्राइव था और संस्कृत में देखो संस्कृत में एक आता है वर्ड संस्कृत अगर किसी ने पढ़ा होगा जया बोलते हैं जया को जया अरे जया बोल रहा हूं ना अमिताभ बच्चन की बीबी की बात नहीं हो रही है जया संस्कृत में भी वर्ड नाम है ठीक है इनकी वाइफ की बात नहीं हो रही है आप लोग कोई भरोसा नहीं है तो जया हिंद जया को जया तो जया को जया का जो इंग्लिश वर्ड है ना दैट साइन एंड कॉस इस टाइप से होता है ओके सो एक्चुअली क्या है जो बो स्ट्रिंग होता है ना बो स्ट्रिंग वहीं से ड्राइव हुआ है ये तो बहुत सारे उस समय आया था जया कोटि जया मतलब ये चीज देखो बच्चे बच्चे बाद में ये जो अपना बे किसी उसमें है ना स्टार्टिंग के जो बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं सारे के सारे संस्कृत से फिर बाद में जो अरब वाले हैं उन्होंने क्या किया जया जिया से इनको मन नहीं भरा था उन्होंने उसका जीबा रख दिया अरबिक वर्ड होता है जीबा जया से स्टार्ट हुआ जया को जया दीज आर संस्कृत वर्ड्स यहाँ से ड्राइव हुआ सबने अपने अपने हिसाब से निकाला फाइनली मीनिंग क्या था सेम था इसीलिए देखोगे ना स्टार्टिंग में इन स्टार्टिंग देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री मान लो इंडिया में किसी ने स्टार्ट किया सेम टाइम कोई ने यूरोप वाला भी स्टार्ट किया है सेम टाइम कोई अरब में भी बैठ के स्टार्ट किया है ठीक है अब मान लो यू आर नाइदर ऑफ यू आर नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दिस कंट्रीज तो आप क्या करोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कौन सा लैंग्वेज पढ़े फाइनली इसको इंटरनेशनल लेवल पे सबको सेम नाम दे दिया गया
कि भाई साइन ही मानेंगे, कॉस ही मानेंगे, टैन भी मानेंगे, नो जाया नो को जाया, ठीक है? बिकॉज यस बच्चे करेक्ट सीकेंट वही बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द हिंदी नेम। बाद में वो साइनस से साइन आया है, साइनस से साइन आया है, ठीक है? होल्ड की बात करते हो तो ये तो मतलब ये है ऐसे ही वर्ड। अच्छा अब आपने आपने पूछा कि 1/2 = 2/4 कैसे आया, ये वाला क्वेश्चन था आपका। इसका मतलब दे यूज टू डू दैट। यस बच्चे देयर वर सम वेव्स जिसको यूज करते थे, ट्रिगोनोमेट्री को यूज करते थे वहां पे, तो ट्रिगोनोमेट्री के काफी बड़े वे में यूज होता है। आप लोगों ने शायद ध्यान से सुनो, पता नहीं फिजिक्स में लाइट हो गया ना, लाइट एंड मिरर, मिरर हो गया होगा ना, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, शायद नहीं सुना होगा आपने, पैरेलेक्स वर्ड यूज किया जाता है। मतलब क्या है कि आप बोलते हो ना कि इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, तो वो मिरर से कोलाइड होने के बाद फोकस से जाती है। अरे नलायक को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सबने पढ़ाया होगा। अगर कोई इनफाइनाइट से मिरर रे आ रही है, सो आफ्टर कॉलिजन विद द मिरर इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता इनको। ठीक है आप देखो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर देते हैं, ध्यान से देखो इसको तो याद ही रखना पड़ेगा मुझे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज देखो, सबसे पहले क्या है, यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज गोइंग टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, नाम देता हूं मैं ए बी एंड सी, दिस एंगल आई एम गोइंग टू एज्यूम थीटा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा के सामने वाले अपने को इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी बी एंड दिस इज गोइंग टू बी एच। अब ध्यान से सुनो, एच इज हाइपोटेनियस, बी इज बेस एंड पी इज परपेंडिकुलर, और हाइट। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज क्या ध्यान रखना है बच्चे, कि जो थीटा के साथ ही में है, अदर देन हाइपोटेनियस, थीटा के साथ में जो आएगा वो हमेशा बेस होगा। ओके सो इफ आई एम गोइंग टू टेक दैट, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अल्फा, सो फॉर अल्फा दिस इज गोइंग टू बी बेस। ओके सो आपको याद रखना है, वेन एवर देयर इज सम एंगल बिटवीन हाइपोटेनियस एंड अदर साइड, ओके इन दैट केस जो थीटा है, थीटा के साथ में जो अदर देन हाइपोटेनियस साइड आएगा उसी को बेस बोलते हैं। किसी ने सर ने ये तो समझ नहीं है, कोई बात नहीं है बताता हूं, और थीटा के सामने वाला जो साइड आएगा इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, फॉर अल्फा परपेंडिकुलर इज बी। तो आप लोग कभी गलती मत करना, ठीक है? इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट 2K परपेंडिकुलर कितना है, कौन सा है, सो यू हैव टू सी कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहा मैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा, परपेंडिकुलर इज बी एंड बेस इज पी। ओके तो ये ध्यान रखना है आपको, आधे लोगों को यही समझ नहीं आता। अरे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, सो वी विल चूज कौन सा बेस होगा कौन सा हाइट होगा। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब आगे चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, ध्यान से सुनो। साइन ऑफ, तो आप देखो एंगल सी कैन बी रिटन एज थीटा, एंगल सी कैन बी रिटन एज थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, देखना जैसे समझ जो भी याद रखना है कर सकते हो, इट्स अप टू यू। साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच और साइड अपोजिट टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अरे परपेंडिकुलर को एडजेसेंट साइड नहीं बोलते हैं, स्कूल वालों ने ये सिखाएगा, बेस होता है एडजेसेंट साइड। बेस होता है बच्चे, वो थीटा के सामने जो ये साथ में चिपका हुआ है ना, दिस इज एडजेसेंट साइड। ओके, तो उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हो, एडजेसेंट साइड भी लिख लो, चलो लिख लो एडजेसेंट साइड। ओके, एंड इसका दिस इज एडजेसेंट, अगर थीटा की बात करोगे मतलब एडजेसेंट का मतलब क्या है, साथ वाला, तो ये आएगा राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज गोइंग टू बी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और बी बाई एच। तो जो आप याद करना चाहो कर सकते हो, सिंपल से याद रखना है, जब कॉस की बात करोगे तो आपको क्या करना है, बेस लेना है एंड हाइपोटेनियस लेना है। क्लियर? साइन कॉस इसके बाद एक और आता है टैन ऑफ का थीटा, तो टैन थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और बेस बाय परपेंडिकुलर। This is equals to what? B by P. चलो सभी बच्चे इसको लिख लो तो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बेझिझक पूछो। तो टोटल सिक्स रेशियोज होते हैं, कितने? सिक्स रेशियोज रेशियोज होते हैं। और ये प्रियांशु नींद खुलता नहीं है, बताओ फोन घर पे जाएगा तब आओगे क्लास करने? सारे काम डंडा खाने वाले हैं आपको पता है। डन एवरीवन, सबका हो गया ना? चिंता मत करो, मैं बता दूंगा अच्छे से और भी। मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो?
अब देखो बच्चे, आपको एक और चीज देखो इसमें, अब सिंपल सा इसके बारे में बात करेंगे। साइन थीटा क्या आया था? साइन थीटा आया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनियस एच। कॉस थीटा क्या आया था? बी अपॉन एच। टैन थीटा क्या आया था? पी बाई बी आया था। अरे ये उल्टा लिख दिया है बच्चे मैंने, इसको इसको सही कर लेना। सॉरी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, इसको सही कर ले, इसको सही कर लो। परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट साइड होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो देयर आर सिक्स मोर। साइन थीटा जो होता है, देयर इज कोसेक थीटा, इसको क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। एंड दिस इज सिंपली इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा। और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज गोइंग टू बी एच बाई पी, एच बाई पी। दिस इज योर, यहां पे आता है सेक थीटा। सेक को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, इसको कोसिकेंट भी बोलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको क्या है? टेंजेंट ऑफ थीटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोसिकेंट ऑफ थीटा, इसको सिकेंट ऑफ थीटा। याद रहेगा क्या? लिखना है लिख सकते हो, दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस इज कोसिकेंट ऑफ थीटा, दिस इज सिकेंट ऑफ थीटा, दोनों बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। वन बाई कॉस थीटा, सो एच बाई बी। देयर इज अनदर वन, cot थीटा विच इज वन बाई टेन थीटा एंड विच इज बी बाई पी। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सभी बच्चों को ये समझ आ गया? ध्यान से लिखो, चलो जल्दी लिखो। आपको याद क्या रखना है? साइन कॉस टैन, फिर क्या याद रखना है? टैन के उल्टा कॉट होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोसेक, कॉट थीटा, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। Is there any way to learn the ratios tan, cos, sin? अरे इतना तो याद रखना पड़ेगा बच्चे। देखो आपको सिंपल सा बता रहा हूं बच्चे, चलो यशवी से सुन लेते हैं, बताओ। Enlighten us. मैं बताऊंगा पहले, ये कुछ बता रहे हैं, इनका भी सुन लेते हैं। देखो बट एक चीज बढ़िया है, आप लोगों को पता है अभी, चलो इनकी भी बात है, पाकिस्तान आ ही गया यहाँ पे। ठीक है चलो, इसका भी, अरे डन ना, मैं भी कुछ अच्छा बना देता हूँ। अरे पाकिस्तान से इतना दुश्मनी क्यों, बेचारे ऐसे ही मर रहे हो। चलो भाई मैं मैं बताऊंगा, इसको कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं है, फिर भी चलो लिखना है, आप लोग ऐसे लिख लो, मैं ना इसका अच्छा बना देता हूँ।
ये ज्यादा अच्छे है, ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, आजकल तो कोरोना में यही हो गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, पी बी पी एच एच बी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। बच्चे ये सारे के सारे देखो, टू बी ऑनेस्ट सारे फालतू हैं। क्यों, अभी मैं कराऊंगा सारा याद हो जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारा याद हो जाएगा। आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, पी बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस जो है कॉस एंड साइन दोनों में आता है नीचे। हाइपोटेनियस कहां पे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, कॉस में क्या आता है, बेस आता है या एडजेसेंट आता है। चलो अभी ये ऐसे लिखना है, लिख लो यार, पता नहीं हर चीज के लिए ट्रिक क्यों चाहिए आपको, सिंपल सिंपल बातों के लिए। हाँ, जहां आ जाए ना पापा भूखे प्यासे, वहां तो भाई कैसे भूल सकते हो, सही बात है, घर पे होता है ना। ए भूखे मारेगा पापा को अपने। आप देखो, सपोज कर आपके पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज थ्री एग्जाम्पल, दिस इज थ्री, दिस इज फोर और ये 90 डिग्री। ओब्वियसली अगर थ्री है ये फोर है, बच्चे बच्चे दिस इज गोइंग टू बी फाइव, राइट। सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल, अब ध्यान से सुन, देखो कैसे बताता हूं आपको, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालना है आपको। नाउ साइन थीटा में क्या आता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है, थ्री डिवाइडेड बाई फाइव। कॉस थीटा में क्या आता है, एडजसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आएगा, फोर बाई फाइव। टेन थीटा में क्या आता है, टेन थीटा में क्या आता है, टेन थीटा में अपोजिट साइड अपॉन एडजसेंट साइड, थ्री बाई फोर। नाउ इफ समवन इज इंटरेस्टेड, अच्छा भाई कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा आपको पता है इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, फाइव बाई थ्री सेक थीटा, फाइव बाई फोर कॉट थीटा, फोर बाई थ्री। सबको समझ आ रहा है, आ रहा है। अगर मान लो इसको थीटा, मैंने इसको अल्फा बोल दिया, अल्फा बोल दिया, तो कैन यू फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर अल्फा, कैन यू फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सॉरी ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर अल्फा। चलो फटाफट निकालो, सभी बच्चों को निकालना है, किसी को छोड़ना नहीं है। आपने कुछ किया अभी, नथिंग, आर यू एबल टू डू इट, आर यू एबल टू डू, एंड ये जितने भी ऑल द थ्योरम्स फ्रॉम 8.1, वेयर आर द थ्योरम्स, यस ऑल थ्योरम्स राइट एंड प्रूव इट बाय योरसेल्फ, डोंट आई जस्ट प्रूव इट बाई योर सेल्फ, डन। चलो साइन अल्फा अल्फा टेन अल्फा कॉस अल्फा अल्फा अल्फा। नाउ ध्यान से देखो, साइन अल्फा फॉर दिस विच वन इज अपोजिट, ये है फोर, हाइपोटेनियस क्या है फाइव, दिस इज फाइव बाई फोर। फॉर दिस एंगल विच वन इज एडजसेंट, थ्री इज एडजसेंट, तो थ्री बाई फाइव।
सो दिस इज गोइंग टू बी 5/3। फॉर टेन अल्फा, टेन अल्फा के लिए कौन सा बच्चे है परपेंडिकुलर 4/3 एंड कॉट अल्फा इज 3/4। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? सबका आ गया ना? एनीवन हैविंग डाउट्स? ऑल क्लियर? सबको आया नहीं आया? अंशिका, रितिका, गौतम, गौरेश, अर्पिता, आगे चलो। अब बच्चे देखो, समटाइम्स आपको ऐसे बोलेंगे कि टैन थीटा इज, ध्यान से सुनना, टैन थीटा इज 5/12, फाइंड ऑल अदर, ध्यान से सुनना, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, ध्यान से सुनना, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? पहला काम है, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ड्रॉ ट्रायंगल। क्या करोगे बच्चे? ट्रायंगल बनाओगे। इन दिस ट्रायंगल लेट्स सी, दिस इज थीटा। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, दिस इज गोइंग टू बी बेस एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेनियस। नाउ यू नो दैट टेन थीटा इज वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो दिस इज पी डिवाइडेड बाई बी। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया सबको। नाउ ध्यान से सुनो, इसके बाद आफ्टर दैट व्हाट कैन यू डू, यू कैन से दैट पी इज इक्वल टू 5 इंटू के एंड बी इज इक्वल टू 12 इंटू के। आप में से देयर आर मेनी पीपल बोलेंगे सर यहां से पी 5 एंड बी 12 ले सकते क्या? सी, सिंस वी आर प्लानिंग टू फाइंड रेशियोज, अगर 5 12 लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे साथ में के लगा लिया करो। बोलोगे ऐसा क्यों सर? बिकॉज दिस एंगल कैन बी फाउंड फॉर मेनी अदर रेशियोज ऑल्सो। मतलब यहां पे मान लो 5/12 है, अगर मैंने ले लिया इसको 10/24 तो भी सेम ही रेशियो आएगा। अरे 10/24 पे भी सेम आएगा, राइट? 15/36 पे भी सेम आएगा। दैट्स वाई बेटर ये है कि यहाँ के चिपका लो। अगर के 1 रखोगे तो 5/12 आएगा, 2 रखोगे तो 10/24 आएगा। रेशियो इज सेम बट पी एंड बी कैन बी डिफरेंट। यस, वी आर एज्यूमिंग के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन एज्यूम के जगह कुछ और भी मानना चाहो तो मान सकते हो। जैसे ही पी एंड बी आ गया, देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड एच। सो व्हाट इज एच? एच इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू आर गोइंग टू गेट 13 के। सो दिस इज योर एच इक्वल टू 13 के, P equals to 5K and B equals to 12K. Now what is the next step? Next step, simply sin theta is equals to, what is sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. So 5K upon 13K, this is 5/13. What is cos theta? Cos theta is एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के साथ में कौन सा है? 12 है, 12 के अपॉन 13 के, दिस इज 12/13। देन आफ्टर टेन थीटा, टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज व्हाट बच्चे? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 5K डिवाइडेड बाय 12K, दिस इज 5/12। वो तो पहले ही था, राइट? तो साइन है तो कोसेक आ जाएगा, कोस से आपका सेक आ जाएगा। यहां से क्या आएगा? कोसेक थीटा 13/5, सेकेंड थीटा
थर्टीन बाई ट्वेल्व कॉट थीटा 12/5। ओके चलो इसको लिखो फटाफट, लिख लो फिर आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखते जाओ वन बाय वन करके सब। नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। इफ साइन थीटा, ध्यान से सुनो, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चों को क्या करना है, पहला काम क्या है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट जॉब, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में जो मन में आए, जहां आपको अच्छा लगे, जहां सुंदर लगे, वहां पे थीटा लिख लो, यहां पे थीटा लिख लो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट वाला बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनियस। नाउ आपको पता क्या है, आपको पता है बच्चे साइन थीटा इज व्हाट, पी बाई एच। तो P को आप मान सकते A into K, P is equals to A into K and H is equals to K into under root A square plus B square. So you have P, you have H, you need to find B. So you can find B also. आप इसमें बेस निकाल सकते हो, इसको क्या करो कैपिटल B कर लो, for right now कैपिटल B, यहाँ भी B है यहाँ भी B है, that's why कैपिटल B कर लो बच्चे, ठीक है। Can you find B? तो B क्या है, तो आपको पता है आई कैन यूज पाइथागोरस, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वी नीड टू फाइंड B, तो आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर। सो व्हाट इज बी स्क्वायर, दिस इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, निकालो बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज व्हाट इज एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस व्हाट इज पी स्क्वायर, पी क्या है यहाँ पे ए के, ए स्क्वायर के स्क्वायर, सो दिस इज के स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के स्क्वायर बी स्क्वायर के इंटू बी, के इंटू बी, इट मीन्स दिस इज योर के इंटू बी। सो आपको नाउ यू नो ऑल थ्री साइड्स, यू कैन इजिली राइट ऑल द रेशियोज यू वॉन्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कभी भी साइन थीटा दे रखा है ना, तो आपको ऐसे एज्यूम करके पहले क्या करना है, ट्रायंगल का सारे साइड्स निकालना है। वंस यू गॉट द साइड, यू कैन फाइंड एनी रेशियो यू वॉन्ट। आया नहीं आया? अब क्या निकालना है इसमें, कॉस थीटा निकालना है आपको। कॉस थीटा क्या होता है, बेस, बेस क्या है के बी अपॉन हाइपोटेनियस एच। सो के बी अपॉन के इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे किसी ने टैन थीटा पूछा, सो व्हाट इज टैन थीटा, टैन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज योर ए इंटू के, इसका इसका रेशियो लोगे आएगा बच्चे ए बाई बी, दिस इज ए बाई बी। तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, टैन थीटा पता है, सो यू कैन टेक इट्स रेसिप्रोकल, बाकी एंगल भी मिल जाएगा। यस सूर्यांशु, देखो ध्यान से, सबको समझ में आ गया ना? तो आप देख रहे हो कि इफ यू आर एज्यूमिंग दैट के, उसके वजह से फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर टुडे क्लास अपना यहीं खत्म करते हैं, कल बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही कराने वाला हूं, तो बी ऑन टाइम कल, यानी जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलकम बच्चे। अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है गौतम, चिंता ना करो, लास्ट आते आते बहुत कुछ सीख जाओगे आप। चलो बच्चे फिर सी यू टुमारो।